लंबे वक्त से भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज कराने की जद्दोजहद में जुटा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इसके लिए धमकी पर उतर आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेठी ने साफ कहा है कि उनकी टीम आईसीसी की टेस्ट और वनडे लीग में तभी शामिल होगी जब आईसीसी भारत को पाकिस्तान के साथ 2014 में किए गए समझौते को पूरा करने के लिए कहेगी। इस समझौते के मुताबिक दोनों टीमों को 2014 से 2023 के बीच कुल 6 द्विपक्षीय सीरीज खेलनी थी, लेकिन भारत सरकार से अनुमति न मिलने की वजह से बीसीसीआई पीछे हट गई। वहीं पीसीबी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कोर्ट केस करने का फैसला कर लिया। नजम सेठी ने बताया कि पाकिस्तान इस लीग ड्राफ्ट पर तभी साइन करेगा जब भारत 2014 के समझौते के हिसाब से सभी बायलैटरल सीरीज खेलने को राजी होगा, और इस केस में हमारी स्थिति को कमजोर किए बिना हमें 2023 तक पूरे 24 मैच खेलने को मिलेंगे। आईसीसी पहले ही साफ कर चुका कि भारत पर पाकिस्तान के साथ सीरीज के लिए दबाव नहीं डाल सकता। ऐसे में भारत पाकिस्तान सीरीज होनी चाहिए या नहीं, इसे लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।